हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज मैंने अपने किचन स्टोर को डीप क्लीन करके रीऑर्गेनाइज़ किया है। दिवाली से पहले मैंने इसे साफ़ किया था। ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इसे क्लीन किए हुए और काफ़ी डस्टी हो चुका था, तो आज मुझे इसे साफ़ करना ही था। आई होप इस वीडियो से सभी होम मेकर्स को क्लीनिंग मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि मुझे भी जब अपने घर के किसी एरिया को क्लीन करना होता है तो मैं अपने कुछ मेरे भी फेवरेट यूट्यूबर्स हैं जिनके मैं वीडियोज़ देखती हूँ, जो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और क्लटर फ्री रखने में। मुझे हर वीडियो में एक ऐसा कमेंट आ ही जाता है कि आप काफ़ी हार्डवर्किंग हो और बहुत हार्डवर्क करते हो अपने घर को साफ़ रखने में, क्लीन रखने में। तो मुझे भी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिलता है अपने इन फेवरेट यूट्यूबर्स से काम करने के लिए और घर को ऑर्गेनाइज और रहने के लिए बेटर प्लेस बनाने के लिए। तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि जो मुझे फॉलो करते हैं, जो मेरे वीडियोज़ देखते हैं, आप सब भी मोटिवेट हो सके अपने घर को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने में। इस फ्लैट में ओपन किचन है और किचन का काउंटर टॉप काफ़ी छोटा है। उसके नीचे के जो भी जितने भी ड्रॉर्स हैं उसमें मैंने अपने सारे डेली यूज़ के बर्तन रखे हुए हैं और किचन स्टोर या पेंट्री कहीं काफ़ी इनफ साइज़ की है, जिसमें मैंने अपनी सारी दालें, स्पाइसेस और एक्स्ट्रा किचन का स्टफ़ रखा हुआ है। क्रॉकरी यूनिट में मैंने सारी क्रॉकरी रखी हुई है। तो इस तरह से मेरा जो किचन है मैंने पूरा सेट किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। पेंट्री में 2 L-shaped की शेल्स दी हुई हैं जिसे मैंने ऑलमोस्ट पूरा खाली कर लिया और उसके बाद मैंने डस्टर से पहले अब इन शेल्स की डस्ट को साफ़ किया, उसके बाद मैंने किचन क्लीनर स्प्रे के साथ पूरी दोनों शेल्स को अच्छे से साफ़ किया है। पेंट्री में मैंने कुछ ऑर्गेनाइज़र्स और स्टोरेज कंटेनर्स को यूज़ किया है। ये स्टोरेज कंटेनर्स डिफरेंट साइज़ और मटीरियल के हैं। कुछ स्टील के कंटेनर्स हैं, टपवेयर है, ग्लास के कंटेनर्स हैं। 8 कंटेनर्स मैंने यूज़ किए सारे फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए और अपना थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने एक दिन पहले ही जो खाली कंटेनर्स थे उनको धो लिया था और जो बाकी के कंटेनर्स थे उनको मैंने डिसइंफेक्टेंट वाइप से साफ़ किया है बाहर से। शेल्फ़ की डस्ट और कुछ फ्लोर भी गंदा था क्योंकि यहाँ से मैंने कुछ सामान मूव किया है तो नीचे डस्ट थी, तो फ्लोर को मैंने पहले वैक्यूम क्लीन करके मॉपिंग की है और उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स को साफ़ किया है। ऑर्गेनाइजर्स में मेरे पास कुछ अलग अलग साइज़ के रैक्स और बास्केट्स हैं जो आप अभी आगे वीडियो में देखेंगे और कुछ फूड आइटम्स को मैंने फिल किया है कंटेनर्स में। इस चौकी के ऊपर बड़े स्टोरेज कंटेनर्स रखे हुए हैं जिसमें एक कंटेनर में मैंने एक्स्ट्रा दालों के पैकेट्स स्टोर किए हुए हैं, एक कंटेनर में मैंने आटा स्टोर किया और एक छोटे स्टील के कंटेनर में मैंने राइस स्टोर किए हैं। इस चौकी को मैंने बालकनी डेकोरेशन, जो कि मैंने दिवाली के टाइम पे डेकोरेट की थी, सिटिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया था। बहुत ही अच्छी डेकोरेशन हुई थी दिवाली के टाइम पे बालकनी की और वो वीडियो मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। डस्टिंग के बाद मैंने इन शेल्फ्स को साफ़ किया है इस किचन क्लीनर के साथ और काफ़ी अच्छा ये स्प्रे है। किचन का काउंटर टॉप और गैस टॉप भी मैं इसी स्प्रे के साथ साफ़ करती हूँ। स्प्रे करने के 10 मिनट के बाद मैंने इन शेल्फ्स को साफ़ किया है माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ। क्लीनिंग का भी एक पूरा प्रोसेस है जो फॉलो करना पड़ता है अपना टाइम सेव करने के लिए, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। सबसे पहले मैंने पूरी स्पेस को खाली किया, शेल्फ्स को क्लीन किया और उसके बाद ऑर्गेनाइजर्स को साफ़ किया। जब तक ये ऑर्गेनाइजर्स ड्राई हो रहे थे इस बीच में मैंने कंटेनर्स को फिल किया फूड आइटम्स के साथ। उसके बाद पेंट्री को मैंने पूरा रीऑर्गेनाइज़ किया। तो ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है अपना टाइम सेव करने के लिए और सबके तरीके अलग हैं, रूटीन्स अलग हैं अपने घर को क्लीन, ऑर्गेनाइज और मेंटेन रखने के। लेकिन सभी होम मेकर्स का ये मोटिव रहता है अपने घर को बेटर प्लेस बनाने का रहने के लिए। ये ग्लास कंटेनर्स कुछ टाइम पहले मैंने होम सेंटर से ख़रीदे थे और इसमें भी मैंने स्टोर किए हैं। किसी में मिक्सचर, रेवड़ी, मठिया, इस तरह के स्नैक्स मैंने इन कंटेनर्स में स्टोर किए हैं। छोटे साइज़ के कंटेनर्स हैं तो आराम से ऐसे स्नैक्स इसके अंदर स्टोर हो जाते हैं और इसी तरह से बाकी के जो कंटेनर्स हैं मैं फिलअप कर दूँगी और उसके बाद इन सभी कंटेनर्स को अकॉर्डिंगली पेंट्री में रीऑर्गेनाइज़ किया।
इस वाइड रैक के ऊपर मैंने एंटी स्लिप कवर को बिछाया और क्लियर एयर टाइट कंटेनर्स इसके ऊपर रखे हैं। पूरी पेंट्री में मैंने कंटेनर्स को कोऑर्डिनेट करके ही रखा है। ग्लास कंटेनर्स को एक साथ एक शेल्फ पे रखा है, वैसे ही टपरवेयर के कंटेनर्स को जिसमें मैंने दालों को स्टोर किया है एक साथ रखा है। मैचिंग कंटेनर्स से क्लियर लुक आती है पेंट्री की और देखने में तो अच्छा लगता ही है। नीचे की शेल्फ को पहले मैंने ऑर्गेनाइज किया। ये कुछ जार्स हैं स्पाइसेस के, अचार के, ओरिगैनो, सीजनिंग है पिज़्ज़ा और पास्ता की, तो इस तरह की कुछ जार्स हैं जिनको मैंने पहले प्लेस किया ऑर्गेनाइजर्स पे और उसके बाद ऊपर की शेल्फ को पूरा सेट किया। इस बास्केट में मैंने सारी बॉटल्स को रखा है और कुछ इसी तरह की बास्केट्स मैंने और यूज़ की हैं ऑर्गेनाइजर्स की तरह बाकी आइटम्स को स्टोर करने के लिए। टपरवेयर कंटेनर्स में मैंने दालों को स्टोर किया है और ये कंटेनर्स भी डिफरेंट कलर, साइज़ और इनकी कैपेसिटी भी अलग है। ब्लू कंटेनर्स में 1/2 kg और रेड कलर के कंटेनर्स में 1 kg तक के फूड आइटम्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ये कंटेनर्स भी एयर टाइट कंटेनर्स हैं और ट्रांसपेरेंट हैं और इनको मैंने लेबल कर रखा है अपनी आसानी के लिए। स्टोर किया है इन कंटेनर्स में मैंने लोबिया, राजमा, वाइट, ब्लैक चने और मिक्स दाल, ऑलमोस्ट हर तरह की दाल हमारे घर में बनती हैं, तो ये सारी दालें मैंने इसमें स्टोर की हैं और कुछ एक दो कंटेनर्स अभी खाली हैं। अभी वो सामान मेरे पास नहीं था तो वो कंटेनर्स खाली हैं। तो नीचे की शेल्फ पूरी जो है मैंने अच्छे से पूरा सेट कर ली है। ये दो और बास्केट्स मैंने रेडी किए हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा फूड पैकेट्स रखे हैं। दोनों शेल्फ्स को मैंने अच्छे से सेट करने के बाद किचन ड्रॉअर में मैंने जितने भी स्टील के कंटेनर्स पहले मैंने इस पैंट्री में रखे थे, इस शेल्फ के ऊपर रखे थे, वो मैंने सारे स्टील के कंटेनर्स किचन ड्रॉअर जो है काउंटर टॉप के नीचे जो ड्रॉअर्स हैं उसमें मैंने पूरे शिफ्ट कर दिए। उसके अंदर कुछ स्पाइसेस हैं, शुगर जो है वो मैंने उसके अंदर स्टील के कंटेनर्स के अंदर स्टोर करके रखी थी, तो वो सारे जो स्टील के कंटेनर्स हैं उनको मैंने पेंट्री से बाहर किचन ड्रॉअर में पूरा सेट करके रखा, ऑर्गेनाइज करके रखा। इन ग्लास जार्स को मैंने शेल्फ के ऊपर रखा था लेकिन इसकी सेटिंग मुझे सही नहीं लग रही थी जिससे मैंने बाद में इन ग्लास जार्स की प्लेस चेंज कर दी थी। और बास्केट में मैं यहाँ पर रख रही हूँ टी बैग्स को और ये दोनों बास्केट्स मैंने रखी हैं इस रैक के नीचे, तो ये स्पेस भी अच्छे से यूटिलाइज हो गई है। और बाकी जो स्टील के कंटेनर्स यहाँ पर पहले मैंने इस पेंट्री में रखे थे उसको मैंने शिफ्ट करके इस ड्रॉअर के अंदर रख दिया। इन छोटे ग्लास जार्स की प्लेस चेंज करने के बाद ये सेटिंग मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अंदर पूरे अच्छे से सफाई हो गई थी पेंट्री की लेकिन बाहर बहुत सारा सामान फैला हुआ था जिसे मैंने कुछ रेस्ट करने के बाद अच्छे से साफ़ किया। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो मैं आज का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अपने अगले नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।